सबकी सलामती हो। आप कहते हैं हम एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाइबल में से ही सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा हवाला है लूका की अंजील पांचवा बाब और उसकी पांच छठा बाब और उसकी पांचवी वर्ष। लूका की अंजील छठा बाब और उसकी पांचवी आयत, एक ही आयत पढ़ेंगे। कोई भी बहन या भाई इसको ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सबक का मालिक है। खुदावन का कलाम पढ़े जाने में सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ये एक हवाला है कि फिर उसने मतलब मसीह यीशु ने कहा कि इब्ने आदम सबक का मालिक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी सबत ही है। वो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है क्योंकि हमारा एक ग्रुप है द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, उसमें भी और एक और ग्रुप है बिब्लिकल नॉलेज और इसके अलावा एक और ग्रुप है, तीनों में यही तस्करा छिड़ा हुआ था सबत के बारे में। सबत के बारे में लोग सवालात कर रहे थे कि हमारा सबत कोई सबत के बारे में कुछ, तो मैंने भी मुनासिब जाना कि बजाय इसके कि मैं ग्रुपों में टाइम वो करूं, क्योंकि 1000 से ज्यादा मस्जिद ग्रुपों में आते हैं और सारे मस्जिद बंदा सुन भी नहीं सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक सरमन की शक्ल में चर्च में बयान करें और सोशल मीडिया के जरिए और लोग भी इसको सुनेंगे। जी ये चीज थी। तो सबत का जब हम देखते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल में सबत के हवाले से यानी कि जो लफ्ज सबत है ये 133 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। मैं जब इस टॉपिक की स्टडी कर रहा था क्योंकि मुझे टाइम बहुत थोड़ा दिया गया था, एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आउटसाइड में है यानी धूप में हमारा काम है, तो इतने कम वक्त में टॉपिक को जो कि उसके बारे में बहुत सारी बारीकियों को भी देखना पड़ता है तो तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दरख्वास्त यही है कि एक हफ्ते का टाइम तो कम से कम देना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी पढ़ सका वो आपकी खिदमत में। तो जो सबत का दिन है, जब हम पैदाइशी की किताब पढ़ते हैं, जब तखलीक हुई थी तो तखलीक के बाद जो सातवां दिन था खुदामंद ने उसको मुकद्दस ठहराया और कहा कि ये इसको पाक मानना, क्योंकि वहां सबत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी खुदामंद ने इसको आराम का दिन कहा, सबत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग बाइबल को आगे पढ़ते हैं तो मूसा के द्वारा हम लोग देखते हैं कि यह हुक्म दिया जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो 10 हुक्म है उनमें से जो चौथा हुक्म है वो सबत के बारे में ही है कि तू याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। तो ये सारी चीजें सबत के बारे में ही है। यहूदी इसको हफ्तावार प्रशस्त दिन मानते थे और अभी भी मानते हैं। एक तो हैकल थी, लेकिन हैकल के अलावा भी हम जब नया इतनामा पढ़ते हैं तो वहां उनके यहूदियों के इबादत खाने भी हुआ करते और मसीह यस्सु जो थे वो हर हफ्ते उनके इबादत खाने में सबत को उनके इबादत खाने में जाके इबादत किया करते थे सबत वाले दिन। और जब वो इबादत करते थे तो बहुत सारी चीजें उनको बताते थे हवाले खोल खोल के, और इसके अलावा मौजदात भी करते थे, जिसकी वजह से जो फरीसी और फकी थे वो मसीह यीशु से नालां थे, नाराज थे कि ये सबत को नहीं मानता।
कि ये सबक को नहीं मानता। तो ये सारी चीज है उस वक्त हम देखते हैं। तो जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो यहूदियों ने सबक में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया था, वो आगे जाके हम इन सारी चीजों का बयान करेंगे। जब हम तखलीक की कहानी देखते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, तो सातवें दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया और इसको परस्तश का दिन या आराम का दिन ठहराया। तो मूसा ने बाद में इसकी तावील की और बताया कि खुदा का ये हुक्म है कि इसको पाक माना जाए और इस दिन परस्तश की जाए, इस दिन और कोई काम ना किया जाए। ये वादे तौर पर बाइबल में पुराने अहदनामे में हुक्मों में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लफ्ज है ना सात, सबत से मुराद सातवां दिन भी लिया जाता है। ठीक है, जो यहूदी लोग हैं, यहूदियों का जो सातवां दिन है वो हफ्ते का दिन है, यानी सबत का दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, ना कि इतवार का दिन। ये यहूदियों का पाक दिन है जिसमें वो आराम करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि सबत सात से है, सातवां, तो जब हम सात की तशरीह करते हैं कलामे मुकद्दस की रोशनी में, तो सात का जो अदद है वो तकमील का अदद कहलाता है। ठीक है, कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया, तकमील पा गया, तो ये तकमील का अदद कहलाता है सातवां। तो यहां पर जब हम चौथा हुक्म पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे है याद करके, याद करके, तो सातवां यानी सबत का दिन तो पाक माना। अभी तो जब हम मुकाशवा की स्टडी करते हैं तो यही जो सात का फिगर है ये बेशुमार दफा आया है, बेशुमार दफा आया है, जिनमें से कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसे कि सात कलीसियाओं का जिक्र है, ठीक है, सात कलीसियाओं का जिक्र है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उन्हीं सात कलीसियाओं के साथ फरिश्तों का जिक्र है। ठीक है, फिर सात बादशाहों का जिक्र आता है, सात बादशाह, फिर सात पहाड़, इसी तरह सात सर और दस सींग। ठीक है, एक जवान के बारे में ये कहा गया। ठीक है, इसी तरह सात प्याले, कौन से प्याले, कहर के। ठीक है जी, और सात ही सोने के प्याले। तो ये मकाशफा की किताब में सात का जो फिगर है, ना सिर्फ मकाशफा में बल्कि पूरी बाइबल में सात के फिगर को आप अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी तो जब बनी इसराइल जब अपने मुल्क की तरफ जा रहे थे मिस्र को छोड़ के, तो बनी इसराइल को खुदा ने मन भी दिया था। हालांकि वो सफर जो था वो इतना ज्यादा नहीं था, वो थोड़ा सफर था, लेकिन वो 40 साल तक मोहित हो गया, इतना लंबा हो गया, यानी वो भटकते रहे। और उनका भटकना बनता था क्योंकि खुदा को उन पर गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनके जो 12 जासूस थे, उन्होंने जो उनके कनान को भेजे थे, उनमें से 10 जासूसों ने गलत इतला दी और अपने लोगों के दिल को कटाया, तो खुदा उससे नाराज हुआ। और क्योंकि उन्होंने जो जासूसी की थी वो 40 दिन की थी, तो एक दिन के बदले में एक साल की सजा उनको मिली, इसलिए 40 साल तक वो व्यापार में बढ़ते रहे। तो इन 40 सालों में हम देखते हैं कि खुदा उनको खाना देता रहा, उनको मन देता रहा। तो जब उनको मन दिया जाता था तो उनको ये भी हुक्म था कि जो छठा दिन होगा उसमें दुगना मन जमा करना है सातवें दिन के लिए, क्योंकि सातवें दिन तुम आग नहीं जला सकते और तुम पका नहीं सकते, क्योंकि वो खुदावन का सबत था। तो ये वाजे तौर पर हुक्मों में हम पीछे पढ़ सकते हैं कि सबत वाले दिन वो आग भी नहीं थे जलाते। तो उनको जो लोग डबल इकट्ठा करते थे वो दिनों में, उनका वो खराब हो जाता था, लेकिन जो छठे दिन को वो जमा करते थे सातवें दिन को वो खराब नहीं होता था। ठीक है जी, तो उनको क्योंकि सातवां दिन जो था वो सबत का दिन था, इसलिए वो खराब नहीं होता था, वो खुदा का दिन था, मुकद्दस दिन था, प्रस्तुत का दिन था।
हम देखते हैं कि जो यहूदी थे पक्की और फरीसी, या यहूदी चले कह लें, ये तो बाद की बात है ना, पक्की फरीसी, इनके बारे में ये है कि सब्बत के दिन को इतना ज्यादा पाक मानना है कि अगर इन्होंने तो इसको पाक मानना ही है, लेकिन अगर इनके यहां कोई मेहमान आ जाएगा, मुसाफिर आ जाएगा, तो उसके लिए भी ये लाजिम था कि वो भी उसका एहतराम करे सबत का, यानी सबत की रिवायत को बरकरार रखे और उसमें कोई काम ना करे, क्योंकि वो खुद भी जो थे वो खुदावंद, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद ने खुद भी पदहज की किताब में लिखा है कि सातवें दिन को आराम दिया, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम भी आराम करें और हमारा जो मुसाफर है उसके लिए भी ये हुक्म था कि वो भी कोई काम ना करे और आराम करे और खुदावंद की प्रस्तुति करे। अजीजों, जब हम लावियों के हुक्मों को देखते हैं, लेवियों के, जो हमारी नेपाली भाषा है ना, तो नेपाली में बुक ऑफ लेवी कहते हैं, ठीक है, चाहे तो इंग्लिश में भी कहते हैं। तो लावियों के जो हुक्म थे उसमें हम देखते हैं कि उनका मुकद्दस मजमा हुआ करता था, और उनका मुकद्दस मजमा हुआ करता था, और वो इस दिन को खास तौर पर अहमियत देते थे और पाक माना करते थे सबत वाले दिन को। लेकिन जब हम मूसा का दौर देखते हैं तो मूसा ने खास तौर पर इस चीज की तालीम दी थी इनको, और बार बार इनको याद दिलाया था, बल्कि पहले भी याद दिलाया और सफर के दौरान भी याद दिलाया, और जब हम देखते हैं आगे के जो खुतबात जब मूसा दे रहे थे, उन्हीं जो हुक्म थे उनको दोबारा से दोहरा कर उनको बता रहे थे, तो उसमें भी मूसा जो है उनको बताते हैं और 40 साल तक उनको सबक की तरबियत देते रहे कि इस दिन को तुम लोगों ने, मूसा ने कहा कि पाक मानना है, इसका एहतराम करना है। अधिको जब हम देखते हैं अंबिया को, तो अंबिया जो थे उन्होंने भी सबक की हुरमत को बरकरार रखा था और इसकी तालीम और तरबियत अपनी कौम को वो देते रहे थे, यानी कि इसकी हुरमत का हम अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं पुराने अहदनामे में कि आम दिनों में जो बकरा या बरा ज़बह किया जाता था वो एक किया जाता था कुर्बानी के लिए, लेकिन सबत वाले दिन खास ये हुक्म था कि दो बरे ज़बह किए जाए, यानी इस दिन की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है कि सबत वाले दिन उनको दो बरे ज़बह करने पड़ते, ठीक है जी, ये भी एक चीज थी। और इस दिन की मुनासबत से एक और चीज जो मंसूब थी वो ये थी कि सबत वाले दिन 12 कबाइल थे, तो 12 कबाइल के हिसाब से 12 नजर की रोटियां जो थी वो हैकल में लाई जाती और उनको दो कतारों में रखा जाता था, 6 साइड पे 6 साइड पे, तो ये सबत वाले दिन ये सब किया जाता था। और सबत को तोड़ने वाले के बारे में ये सजा थी मौत की सजा, अगर कोई सबक को तोड़ेगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी। अगर आपने हवाला भी पढ़ना हो तो गिनती 15वें बाब में आप पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सबत वाले दिन वो आग भी नहीं जला सकते थे, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर, अगर वो आग नहीं जला सकते तो वो कुछ खा भी नहीं, यानी कि पका नहीं सकते, ठीक है, खाना तो उनकी मजबूरी थी, वो तो खा सकते थे। जब हम नहमिया का दौर देखते हैं, ये नहमिया का दौर जो था ये वो दौर था जब वो सीरी में थे, ठीक है जी, और उस दौर से बाद में जब वो रिहा होते हैं और अपनी साइकिल को और वो दीवार बनाते हैं सारा, ये वो सिलसिला है। तो नहमिया नबी जो थे, नहमिया ने भी लोगों की बड़ी तनबीह की और उनको सख्त जुमले इस्तेमाल किए कि तुम लोग सबत के दिन को पाक मानना। जैसे मैंने बोला है कि 133 हवाले आप जो हैं वो पढ़ सकते हैं 133 मरतबा, तो हवाले बहुत ज्यादा है सबक के हवाले से जब हम सबक को देखते। तो नहमिया ने जो तंबीह की थी, नहमिया का 10वां बाब, 13वां बाब और 15वें बाब में आप इन हवालों को पढ़ सकते हैं।
अगर आप इनको पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि नहम या नबी ने क्या क्या तंबीह उनको की। अजीजों, जब हम जंगों के सिलसिले को देखते हैं तो मकाबियों के साथ जो यहूदियों की जंगें हुई थी, तो मकाबियों के साथ जो यहूदियों की जंग थी उसमें जब सबत आता था तो सबत के एहतराम में यहूदी लड़ा नहीं करते थे, वो सबत का एहतराम किया करते थे। तो दूसरी फौज जो थी वो इनके ऊपर गालब आ जाती थी। जब हम देखते हैं कि 1000 यहूदी मारा गया, कत्ल हो गया, तो फिर जाके इन्होंने ये कानून सबत वाले दिन के लिए बनाया कि हम कम अज कम अपना डिफेंस तो कर सकते, तो सबत वाले दिन फिर अपना बचाव जरूर किया करते। और सबत वाले दिन फिर ये भी ये कहा गया कि हम सबत वाले दिन अपना डिफेंस तो करेंगे लेकिन उन पर हमला नहीं करेंगे, अगली फौज के ऊपर हमला नहीं करेंगे, यानी कि सबत के तकद्दस को उन्होंने बरकरार रखा। तो यानी कि हम उनके जो बनाए हुई जो पुश्ते हैं उनको भी निभाएंगे, यानी कि किसी किस्म का कोई भी हमला उनके ऊपर हम नहीं करेंगे। ये जब मकाबियों के साथ उनकी जंग है। अजीजों, एक किताब है तालमूद की किताब, तालमूद की जो किताब है उसके बारे में बताना, ये उनकी हदीस की किताब कह सकते हैं या रबियों की लिखी हुई किताब कह सकते हैं। तो रबियों ने इस किताब के अंदर दो बाब बांधे हैं सबत के हवाले से, सबत के हवाले से दो बाब हैं तालमूद की किताब में। तो इन दो बाब को जब हम पढ़ते हैं तो इन दो अबवाब में हम 39 कामों के बारे में पढ़ते हैं, और ये 39 काम वो थे जिनको खास तौर पर फकीहों और फरीसियों ने मना कर दिया था कि ये 39 कामों में से कोई काम भी सबत वाले दिन आप लोगों ने नहीं करना। उनतालीस काम, और ये वो काम थे 39 जो कि आम जरूरत के थे, रोजमर्रा की जरूरत के वो काम थे, उन्हीं से ही उन्होंने मना कर दिया फकीहों और फरीसियों ने। और उनकी तफसील में थोड़ी सी आपको बताता हूं। मसाल के तौर पे हल नहीं जलाना, सबत वाले दिन हल नहीं जला सकते, बीज नहीं बो सकते, फसल को नहीं काट सकते, इसके अलावा फसल जब काटते हैं तो उसके पूले नहीं बांध सकते। पूला पता था, जो पिंडा था जो लोग हैं उनको पता पूला क्या होता है, ठीक है, कोई पूले नहीं बांध सकते, और उसको छांट नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, उसको पीस नहीं सकते, आटे को गूंद नहीं सकते। सबत वाले दिन आटे को गूंद नहीं सकते, यानी कि ये वो कानून मैं आपको बता रहा हूँ। 39 बातें हैं जो के फकीहों और फरीसियों ने सबत वाले दिन खास तौर पर इनसे मना कर दिया था। आगे सुनिए, डोरियां नहीं बना सकते, ठीक है जी, गांठ नहीं लगा सकते। अभी गांठ लगाना जो है ये एक आम सा अमल है, वो किसी भी चीज को आप बांध सकते हैं, ठीक है, गांठ नहीं लगा सकते, दो टांगे नहीं लगा सकते, अब ये भी एक, हिरन नहीं पकड़ सकते, उसे जबा नहीं कर सकते, उसकी खाल नहीं उतार सकते, उसके बाल नहीं उतर सकते, दो हाथ नहीं लिख सकते, एक लिख सकते, ठीक है जी, और किसी भी किस्म की आप तमीर नहीं कर सकते सबत वाले दिन, आग नहीं जला सकते, ठीक है जी, और आग को अगर आग लगी हुई है तो उसको बुझा भी नहीं सकते। ये चंद बातें मैं बता रहा हूं, पूरी 39 नहीं बता रहा। हथौड़े से किसी चीज को कूट नहीं सकते सबत वाले दिन, ये भी एक उनका था जो कि तालमूद में लिखा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को मुंतकिल नहीं कर सकते सबत वाले दिन, यानी इतने सख्त कवानीन जो कि इतने सख्त नहीं थे जो कि फकीहों और फरीसियों ने बना दिए, ठीक है जी। पानी नहीं, कुएं से पानी नहीं भर सकते, ठीक है जी। अभी देखिए हम के गांठ लगाना जो है वो एक आम सा अमल है। फिर बाद में ये जितने भी उन्होंने कवानीन बोले थे इनकी फिर बाद में तावीलें करते रहे,
कि जी अगर बहुत ही नागुजीर हो जाएगी ये चीज तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने गांठ लगानी भी है तो वो एक हाथ से लगाए। यानी ये एक मुश्किल है मिला है, एक हाथ से वो कैसे गांठ लगाएगा, ठीक है, या तो मुंह से रस्सी पकड़ेगा या कैसे भी, ठीक है। या अगर किसी ने पानी ही भरना है कुएं से, तो पानी भरने के लिए यह था कि वो ढोल जो है वो उधर से नहीं नीचे से लटकाएगी रस्सी के जरिए से, बल्कि औरत अपनी कमर के साथ ढोल बांध के तो नीचे जाके पानी भर के ला सकती है ऊपर, इतना सख्त था। यानी कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। और अगर किसी ने तहरीर लिखनी भी है, जैसे कि मैंने बोला खत, तो कोई अपने जिस्म के ऊपर अगर कोई पक्की स्याही से लिखता था तो वो गलत है, लेकिन रस्से की रेत के ऊपर अगर कोई उंगली से कोई चीज लिख देता था तो वो जायज है। यानी इस तरह की तावीलें उन्होंने बाद में फिर की। सबत के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि सबत को उन्होंने कितना सख्त कर दिया था, और ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए हम फिर जब मसीह यसु के दौर में जाते हैं, मसीह यसु का दौर जब हम देखते हैं, तो मसीह यसु इन्हीं शरा के आलमों को आड़े हाथों लेते हैं, और जब इनको आड़े हाथों मसीह यसु लेते हैं और सबत वाले दिन ही मौजदे दिखाते हैं और सबत वाले दिन ही वो सारी चीजें करते हैं, तो फिर जाके मसीह यसु जो है वो उनको, यानी कि इनके जो आलम थे शरा के आलम थे, उनको कहते हो तुम पर भी अफसोस। मसीह यसु क्या कहते हैं, शरा के आलमो तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनका उठाना मुश्किल है आदमियों पर ला रहे हो। ये वो हम हा के कवानीन थे जो कि यहूदियों के जो बड़े मोतबर फिरके थे फरीसी और पक्की, उन्होंने बना दिए थे ये कवानीन के सबत वाले दिन तुम लोग ये काम नहीं कर सकते। और मसीह यसु ने आगे ये भी कहा कि तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लाते हो और आप एक उंगली भी इन बोझों को नहीं लगाते। यानी कि मसीह यसु उनको तंबीह कर रहे हैं, डांट रहे हैं उनको कि दूसरे लोगों पर तो बोझ डालते हो लेकिन खुद ये करना नहीं चाहते तुम लोग, ठीक है जी। और लुका 11वें बाद में ये हवाला आपको मिलेगा। जब हम नया अहदनामा पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में जो यहूदी मजहबी उलमा थे, उनके फक्की फरीसी सदूकी, इनका सबसे बड़ा मसीह यसु के बारे में जो इख्तलाफ था वो यही था कि ये सबत को नहीं मानता। मसीह यसु जो है ये सबत को नहीं मानता, सबसे बड़ा इख्तलाफ यही था। एक तो ये था कि वो सबत को नहीं मानता, दूसरा ये था कि वो अपने आप को अल मसीह कहता है। दो फतवे मसीह यसु के ऊपर, दो फतवे जारी किए गए थे कि एक तो ये सबत को नहीं मानता, सबत के तकद्दस को पामाल करता है, दूसरा ये अपने आप को अल मसीह कहता है कि मैं मसीह हूं। ये दो इख्तलाफात थे जिनकी वजह से जो फक्की और फरीसी थे वो मसीह यसु के बारे में कोई अच्छा रवैया नहीं रखते, क्योंकि मसीह यसु ने सबत वाले दिन बेशुमार मौजदे दिखाए थे। सबत वाले दिन जब भी वो इबादत खाने में जाते थे तो मौजदात करते थे, कुबड़ी औरत को सही कर दिया, सूखे हाथ वाले आदमी को ठीक कर दिया, इस तरह के और बेशुमार चीजें हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो अल मसीह ने जो तालीम दी थी सबत के हवाले से वो ये दी थी कि सबत आदमियों के फायदे के लिए, सबत क्या है, आदमियों के फायदे के लिए है, और इंसान की जरूरियात को सबत की शरीयत के ऊपर मसीह यसु ने तरजीह दी थी कि वो जरूरी नहीं है, इंसान की जरूरत जरूरी है। ये मसीह यसु की तालीम थी, और इसी वजह से जो फक्की और फरीसी थे वो मसीह यसु से इख्तलाफ रखते थे। कैमरा हिल रहा है,
पता नहीं किसी के फाउंडर थे। अच्छा, अब हम एक हवाला पढ़ते हैं मत्ती के अंजील 12वां बाब उसकी 1 से लेके 8वीं आयत। मत्ती के अंजील 12वां बाब और उसकी 1 से लेके 8वीं आयत। उस वक्त यीशु सब्बत दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यीशु ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया, क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को मगर सिर्फ काहिनों। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा, काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इब्ने आदम क्या है? सब्बत का मालिक है। और जब हम पैदाइश का हवाला पढ़ते हैं तो पैदाइश के हवाले में आराम किसने किया था? इब्ने आदम मसीह यसू को हम खुदावंद कहते हैं। तो वो सब्बत का मालिक है और उन्होंने फिर ये जो सारी शरीयत के कवानीन थे ये खोल खोल के बयान किए कि तुम लोग ये शरीयत के जो कानून है इनको जिस तरीके से लागू करते हो वो रवा नहीं। यानी कि मसीह यसु ने ये भी अपने दौर में कहा था कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। जिसकी एक सादी सी मिसाल देता हूँ, पुराने अहदनामे में क्या लिखा है कि तू जना ना करना, लिखा है ना। लेकिन मसीह यसु ने इसकी तजरी क्या की? मसीह यसु ने कहा कि अगर तू किसी औरत की तरफ निगाह भी करे तो तूने अपने बुरी निगाह करे तो तूने अपने दिल में उसके साथ बुरा काम कर लिया। ये थी उस शरीयत की तकमील जो कि मसीह यसु ने कहा था और की भी इस तरह की और बहुत सारी चीजें। तो ये वो चीज थी सबक के बारे में जो कि वो लोग किया करते थे फकीर और फरीसी और मसीह यसु ने उनको रद्द किया और कहा कि सब्बत जो है वो आदमियों के फायदे के लिए है। और आप बाइबल में से नए अहदनामे में बेशुमार हवाले पढ़ सकते हैं सब्बत के हवाले से जिसमें मसीह यसु उनको तंबीह करते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं सब्बत के हवाले से ही कि एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उसको सब्बत वाले दिन मसीह यसु ने उसकी शफा की। तो जब मसीह यसु ने सब्बत वाले दिन उसकी शफा की तो जो फकीह और फरीसी थे वो मसीह यसु के ऊपर आ जाते हैं कि ये सब्बत को नहीं मानता, ये करता है वो करता है, ठीक है जी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और भी हवाले आपको सब्बत के हवाले से आपको मिलेंगे नए अहदनामे, ठीक है जी। तो जब हम शुरू के मसीहों को जो देखते हैं तो जब मसीह यसु का दौर है, मसीह यसु जब आसमान पर चले गए तो एक तो हैकल थी, हैकल के बाद इनके इबादत खाने थे। तो इबादत खानों के हवाले से ये एक बात है कि इबादत खानों में मसीही और यहूदी मिलकर दुआ किया करते थे। यानी मसीहों के अपने इबादत होने नहीं थे, वो यहूदियों के साथ मिलकर दुआएं किया करते थे, इबादत किया करते थे, प्रसन्न किया करते थे और सबत वाले दिन ही किया करते थे, सबत वाले दिन ही किया करते थे। लेकिन जब मसीहों और यहूदियों में इख्तलाफात की जो खलीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मसीहों ने सबत को मनाना ही खत्म कर दिया, सबत के दिन इबादत खाने में जाना ही खत्म कर दिया और इतवार वाले दिन को खुदावंद का दिन कहा। हालेलुया।
हम जो कह देते हैं सबत सबत सबत, तो सबत दरअसल हफ्ते वाला दिन ही है। इतवार वाले दिन को हम सबत नहीं कह सकते, इसको हम खुदावंद का दिन जरूर कह सकते। तो वो फिर खुदावंद का दिन मनाते थे, यानी हफ्ते वाला दिन उनका और एतवार वाला दिन मसीहों का होता था। और एतवार वाले दिन फिर ये अपना मुकद्दस मजमा लगाते थे और उसमें प्रस्तुत भी किया करते थे और इबादत भी किया करते थे। हालेलुया। ये आज का मेरा था कि बहुत सारे लोग सबत को सबत सबत, हमारा सबत आज हमारा सबत है। मैं फेसबुक पे भी, ट्विटर पे और बहुत सारे ग्रुपों में भी ये चीजें देखता हूँ, हमारा सबत। तो हमारा सबत नहीं हो सकता, इब्ने आदम सबत का मालिक है। ठीक है जी, इब्ने आदम क्या है? सबत का मालिक है। और हमारा जो सबत है या हमारा जो सबत है वो सबत नहीं बल्कि खुदावंद का दिन है, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। हालेलुया। आज के कलाम के सिलसिले में कलाम का